बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी तो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। जी दोस्तों, सूह के वाकिफ कतर दुआ का मिलाद का दूसरा ऐसा पेश खिदमत है। तो ये दोस्तों, असर का टाइम गुजर चुका था और असर के बाद का ये शाम होने वाली थी। तो देख सकते हैं आप, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ये जगह थी सूह के वाकिफ, और इंतहाई ओल्ड स्टाइल। ये आप सामने देख सकते हैं, ये घास फूस के बरामदे बने हुए हैं, लकड़ियों के छत डले हुए हैं, और टोटल फार्मर जो इधर मैंने देखे थे सब फार्मर ही ज़्यादा थे। तो इंतहाई कदीम और पुरानी सकाफत थी, ओपन माहौल भी था और पर्देदार भी माहौल था। बस ये है कि ये तो अपने तक होता है, ये आप सामने देख सकते हैं फॉरनर्स हैं, बिल्कुल ओपन माहौल में हैं, लेकिन जो कतरी थे बिल्कुल बापरदा औरतें थी। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों के पुराना स्टाइल, रजाइयाँ और लिहाफ, बहुत ही पुरानी सकाफत इधर देखने को मिली। तो ये आप देख सकते हैं कि लकड़ियों के छत बने हुए हैं, और ये इन बरामदों के अंदर देख सकते हैं आप बर्तनों की शॉप्स और ज़रूरत ज़िंदगी की हर चीज़ इधर आपको मिलेगी। छोटी छोटी ये मार्केटें बनी हुई हैं सूह के वाकिफ में, और ये खाने पीने की दुकानें हैं, ये ड्राई फ्रूट्स की शॉप्स हैं, और परिंदों की शॉप्स बहुत ज़्यादा थी, उनकी खुराकें, हर चीज़ इधर आपको देखने को और ख़रीदने को मिलेंगी। ये खजूर वगैरह पड़ी हुई हैं, ये मैं अंदर मार्केट की तरफ आया हूँ। आप देख सकते हैं कि इधर भी बहुत पुराना और कदीम स्टाइल हमें नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। डेवलप इन्होंने बहुत अच्छा किया है कतर वालों ने। ये मैं गया था तो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला था, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आने वाली थी, और वही बात हुई कि जिससे भी बात हुई थी कि फीफा के जो दिन थे बहुत ज़्यादा रश था इधर कतर में, दोहा सिटी में, क्योंकि पूरे कतर में इन्होंने स्टेडियम बनाए थे। तो ये देख सकते हैं आप दोस्तों, मैं निकल आया हूँ बैक साइड पे, और वो सामने जो है अलदफना कतर है, बहुत ही ऊंची ऊंची और खूबसूरत बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। गर्मी थी ज़्यादा, क्योंकि गल्फ कंट्रीज ज़्यादातर गर्म ही हैं, तो इधर सूह के वाकिफ एंड होता है। तो ये मैं आ गया था इधर, ये कुछ स्टॉल्स अभी बंद पड़े थे। मेरे ख्याल में रात को इधर बहुत ज़्यादा रौनक होती है, रात ही को ज़्यादा रश होता है। ये परिंदे कबूतर खासकर ये गल्फ कंट्री में देखे हैं, सऊदी अरब में भी आपने देखा है बहुत ज़्यादा कबूतर उधर होते हैं, और यही नस्ल होती है जंगली कबूतर। तो बाकी इधर भी देखिए बहुत ज़्यादा ये कबूतर थे। तो दोस्तों, ये रेहड़ी बानों का भी काम होता है, जो सामान लेते हैं इधर उधर आने जाने के लिए। तो ये बैक साइड सूह के वाकिफ की, ये आप देख सकते हैं परिंदों की दुकानें भी आ गई हैं, सेम जैसे हमारा इधर रावलपिंडी कॉलेज रोड का मंजर है, सेम वही लगा मुझे। तो बहुत ही अच्छा एरिया सूह के वाकिफ, ये सारी परिंदों की शॉप्स हैं, हर किस्म का परिंदा इधर आपको मिलेगा। ये ऑस्ट्रेलियन तोते हैं, चूजे हैं, चिड़िया वगैरह, हर चीज़ यहाँ मौजूद थी। ये इनके पिंजरे तरह तरह के यहाँ पड़े हुए हैं,
फैमिलीज के साथ लोग घूम फिर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद शाम को इधर बहुत ज़्यादा रश होना था, तो सयाह भी बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे थे, फॉरनर बहुत ज़्यादा आए थे फीफा की वजह से। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि फर्श भी कितने बिल्कुल साफ सुथरे, इंतहाई सफाई सुथराई का ये ख्याल रखते हैं और शानदार माशाल्लाह कंट्रियां हैं, ये खलीजी रियासतें हैं। ये असल में लेडीज जा रही थी तो मैंने कैमरा नीचे कर दिया था, क्योंकि फैमिलीज थी वो उनकी वीडियो ना आए, अक्सर लोग बुरा मना जाते हैं, इस वजह से कैमरा मैंने नीचे कर दिया था। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।